आपने सपना देखा, सपने में आप बेतहाशा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे खतरनाक कुत्ता दौड़ रहा है जो आपको काट लेगा। हर सेकंड कुत्ता आपके नजदीक आता जा रहा है, आपका हौसला टूट रहा है, आप थक रहे हैं, पसीने से नहा चुके हैं, आपकी सांसें फूल रही है, कुत्ता आपके ऊपर झपटता है और डर के मारे आपकी चीख निकल जाती है, आपकी आंख खुल जाती है, आपको समझ में आ चुका है कि यह बुरा सपना था। आप पसीने से लथपथ पड़े हैं, आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे, लेकिन रुको, क्या हकीकत में आपका शरीर दौड़ रहा था? नहीं, आपका शरीर तो एक मुलायम से बिस्तर पर पड़ा था, आपके विचार दौड़ रहे थे और ये विचार आपके शरीर के मसल्स को ये यकीन दिला रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, और आपका शरीर थकता जा रहा था, बिना दौड़े बिना मेहनत किए भी पसीने पसीने हो रहा था। ये है विचारों की शक्ति, विचारों में बड़ी ताकत है। आपकी सारी बीमारियां यहीं जन्म लेती है, उनका इलाज भी यहीं से शुरू होता है, आपको जितनी दौलत चाहिए वो भी यहीं है, आपका डर भी यहीं है, आपका कॉन्फिडेंस भी यहीं है, आपका दुख और आपकी खुशी भी यहीं है, यहीं से एक सपना जन्म लेता है, यहीं से उसे पूरा करने का इरादा भी जन्म लेता है। यह एब्सोल्यूट एनर्जी है, विचारों की शक्ति। यही विचार शक्ति आपको बुलंदियों तक पहुंचाती है और यही जिंदगी का जायका भी बिगाड़ती है। विचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, सोते जागते खाते पीते हंसते रोते काम करते हुए भी निरंतर विचार आपके मस्तिष्क में चलते रहते हैं। इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना सीख गए तो जीत आप।